स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट पोलर सैटेलाइट। ठीक है, पोलर सैटेलाइट। लास्ट में हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या था वो हमने नाम से ही समझ लिया था। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट भी सेम होता है जैसे हमारा जियो स्टेशन हमने नाम से पता लग गया। यहाँ भी हमारा मेनली पोलर, सिर्फ नाम से ही हमारा आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पोलर तो मेनली हमें पता है अर्थ पे क्या होता है, इक्वेटर्स होते हैं और पोल्स होते हैं। ठीक है, इक्वेटर पे जो हमारे सैटेलाइट छोड़ी जाती है वो कौन सी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब बचे पोल। ठीक है, तो इक्वेटर वाले तो हो गए हमारे, अब बचे पोल। तो पोलर से हम रिलेट कर सकते हैं पोलर। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट मेनली क्या होती है, पोल्स पे छोड़ी जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा रीजन आता है कि पोल्स पे। ठीक है, क्या होता था कि हमारी जो अर्थ होती थी, ठीक है, अभी अर्थ थी ऐसे रोटेट कर रही थी। ठीक है, तो इसके साइड में भी ऐसे कुछ रोटेट कर रही थी वो सैटेलाइट, तो वो जियो स्टेशनरी थी। अब पोल्स, ये वाला पोर्शन जो है, ये देखो ये जो पॉइंट साइज होता है पोल्स पे हमारे जाके क्या हो जाता है, हमारी जो अर्थ है वो एज अ पॉइंट साइज ले लेते हैं हम, क्योंकि सर्कल्स होते हैं तो 180 वाला जो सर्कल होता है 180 डिग्री लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स वाले, तो उसमें क्या करते हैं कि पॉइंट साइज लेते हैं। अब वो पॉइंट साइज देखो कोई भी इसका टिप है। ठीक है, तो यहाँ पे मानो ये सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल पे अगर मैं ये पॉइंट लूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने लिया, तो ये चीज ऐसे मूव हो रही है, रोटेशन मूव करी है अपनी। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से ये वाला पॉइंट हमेशा यहीं पे स्टेशनरी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, पोलर सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट पोल्स पे छोड़ी जाती है। ठीक है, तो पोल्स पे छोड़ी जाती है, पोल्स तो हमारे पर पोल्स की पोजिशन रोटेशन की वजह से कभी चेंज ही नहीं होती। जो चीज पोल्स पे वहां पे है वो कोई भी रोटेशन हो हमारी, सिर्फ वो, ठीक है, रिवॉल्यूशन या रोटेशन की वजह से कभी भी वो चेंज नहीं होती। तो अब ये रीजन आ जाता है कि जो हमारी पोल्स पे हमारी सैटेलाइट छोड़ी गई है। ठीक है, तो पोल्स पे सैटेलाइट छोड़ी है, अब हमारे अर्थ के लिए वही पोल इंडिया वालों के लिए भी सेम पोल होगा और यूएसए वालों के लिए भी, रशिया में भी सेम पोल होगा अर्थ का, मतलब पोल तो एक ही है हमारा अर्थ पे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल तो सेम हो जाएगा। तो अब हम यूएसए वाले भी छोड़े, हम इंडिया वाले भी छोड़े, सब जब मिलकर ऐसे छोड़ेंगे तो क्या सारी सैटेलाइट एकदम से कोलाइड नहीं कर जाएंगी। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट फिर कैसे है, तो इट मींस पोल पे ये स्टेशनरी नहीं है, इसके कुछ मूवमेंट होने चाहिए पोल के थ्रू। अब पोल के थ्रू कैसे होगी, पोल तो हमारे ऐसे है, ठीक है, तो पोल के थ्रू ऐसे थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो इसमें रोटेशन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देन फिर बैक टू दी अर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जाती है, देन साउथ टू नॉर्थ, तो ऐसे ही नॉर्थ टू नॉर्थ अपना क्या कर लेती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो मेनली ये क्या होता है, पोलर सैटेलाइट जिससे वो इक्विटोरियल पे मूव करती थी। हमारी पोलर सैटेलाइट कैसे है, हमारी इक्विटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। ठीक है, वो ऐसे साइड में मूव करती थी इक्विटोरियल प्लेन के, हमारी जियो स्टेशनरी साइड सैटेलाइट क्या करती थी, कोप्लेनर थी उसके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्लेन हमारे ऐसे है, इक्विटोरियल प्लेन ऐसे, तो ये नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो ऐसे, तो ये प्लेन है, तो इसके क्या हुई ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर दी इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो मेनली इसे हम कैसे करते हैं, पोलर सैटेलाइट इट इज सैटेलाइट ऑन अर्थ पोल। ठीक है, इट मेक्स 90 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, 90 डिग्री, और ये क्या होती है, ये ना बहुत कम हाइट पे छोड़ी जाती है, जैसे वो 36,000 किलोमीटर पे छोड़ी जाती थी, पर हमारी जो पोलर सैटेलाइट है वो कितने हाइट पे छोड़ी जाती है, ये मेनली बहुत कम हाइट पे होती है, 500 टू 800 किलोमीटर सिर्फ। ठीक है, वैसे ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बट कंपैरिजन करेंगे अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, मेन इसमें होता है जैसे ई आई 500 टू 800 किलोमीटर इसकी हाइट पे है। ठीक है, डिस्टेंस पे ज्यादा ट्रेवल नहीं करती, मेनली जो पोलर सैटेलाइट होती है उसका रोटेशन का टाइम ऑर्बिट जो
टाइम टेकन था वो क्या था, 24 आवर्स। ठीक है, तो पर पोलर सेटेलाइट्स का अब ये बहुत कम हाइट पे, अब ये चीजें हमें पता है, अगर कोई भी चीज बहुत कम हाइट पे है तो वो जल्दी से उसका टाइम टेकन कम होगा, ज्यादा हाइट पे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। तो ये बहुत कम हाइट पे है तो इसका टाइम टेकन 24 आवर्स है तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि 36,000 किलोमीटर हाइट पे अगर वो टाइम ले रहे 24 घंटे, तो ये मानो 800 पे कितना लेगा, 8 फोर्जा होता है मेनली। ठीक है, तो फोर्जा देखो 800 4 3600। ठीक है, तो ये मानो 36,000 कितना हो जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है हमारा कि जो पोलर सेटेलाइट होती है ये एक पोजीशन को, अर्थ के एक पोजीशन को 5 से 6 बार रिपीट कर देती है अपने 24 आवर्स के ड्यूरेशन में। ठीक है, मतलब एक ही 24 घंटे के अंदर अंदर सेटेलाइट उसी पोजीशन को 4-5 बार रिपीट कर देती है, क्योंकि इसकी स्पीड फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम टेकन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो पोलर सेटेलाइट मेनली इंक्लिनेशन पे होते हैं इक्विटोरियल प्लेन के। ठीक है, अब ये देखो जो हमारी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थी, अब वो क्या था, हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन हमारी अर्थ की रोटेशन है, तो हमारे उसी रोटेशन में क्या कर रहा था, हमारा सेटेलाइट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भी रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो हमारे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की जो रोटेशन है वो क्या हो गई, वेस्ट टू ईस्ट। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की रोटेशन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, बट हमारी पोलर सेटेलाइट की हमारी रोटेशन क्या होगी, पोलर सेटेलाइट की हमारी रोटेशन हो जाएगी, क्या करती है वो, नॉर्थ टू साउथ। अर्थ मेरी ऐसे मूव कर रही है और वो ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, अर्थ मेरी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, और जो मेरी पोलर सेटेलाइट है पोल से क्या कर रही है, नॉर्थ से ऐसे साउथ। ठीक है, तो मेरी जो पोलर सेटेलाइट की डायरेक्शन वो क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और मेनली ये क्या होती है, लॉन्ग रेंज, जैसे हमारी जियो स्टेशनरी शॉर्ट रेंज होती है, ये लॉन्ग रेंज सेटेलाइट होती है। ठीक है, और इसमें मेनली क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ थी, ठीक है, ये हमारा इक्विटोरियल प्लेन था, जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ हुई, देन ये क्या हुआ, पोल्स। ठीक है, ये मेरा पोल ऑफ अर्थ हुआ, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई, ऐसे मेरी अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा, ये इक्विटोरियल, ये मेरा इक्विटोरियल है, ये जो मेरी लाइन होगी, ये ऐसे बैक साइड है ना, जो इसका प्लेन होगा, जैसे मेरी अर्थ है तो ये ऐसे है ना, तो ये मेरा बैक साइड है, दैट इज मैं इसे ये करूं। ठीक है, तो जो मेरी जियो स्टेशन सेटेलाइट है वो एक 36,000 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ी गई है, तो मेनली जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कैसे मूव कर रही है, इसी प्लेन पे, ऐसे राउंड पे, अर्थ के राउंड पे, दैट इज ऐसे। ये बैक साइड है तो डॉटेड। ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये भी ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये मेरा प्लेन है, तो ये देखो इस ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर भी यहीं पे होगा, ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर भी यहीं पे होगा। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है, मेनली कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर टू द प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, पोलर सेटेलाइट मेरी, ये पोल्स है अर्थ के, पोलर सेटेलाइट पोल पे छोड़ी गई, वो कैसे मूव करती है, ऐसे बैक साइड द अर्थ, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन है ऐसे। ठीक है, वो ऐसे मूव कर रही है तो वो क्या है, इंक्लिनेशन बना रही है यहाँ पे कितना, 90 डिग्री का।
ठीक है। तो जो मेरी पोलर सेटेलाइट होती है वो क्या होती है, पोलर सेटेलाइट होती है मेरी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन। इसमें अब मेनली क्या होता है कि जो हमारी ये क्या है कि एक ही पोजीशन को कई बार क्रॉस कर देती है हमारी पोलर सेटेलाइट, ठीक है। हमारी पोलर सेटेलाइट देखो अब यहाँ पे बहुत कम हाइट पे, तो जल्दी जल्दी से ऐसे रोटेट करती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। तो एक ही पोजिशन को वो कई बार कर देगी तो क्या बहुत ज्यादा एग्जैक्ट उस चीज की हमारी परसेंटेज निकलेगी, ठीक है। मतलब जो वैल्यू होगी वो हमारी बहुत ही एक्यूरेट निकलेगी। तो मेनली जो पोलर सेटेलाइट होती है, क्योंकि एक ही पोजिशन की अगर हम कई बार पिक्चर लेंगे तो वो ज्यादा सही है। मेनली क्या होती है कि पिक्चर्स लेती हैं, टेक पिक्चर्स ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। मेनली ये हमारा जो अंटार्कटिका पे ओजोन लेयर का होल बना हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसी होल की वजह से जो हमारी आइस है उस आइलैंड की वो क्या हो रही है, ऐसे मेल्ट होती जा रही है, तो वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। तो वहां से ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पिक्चर लेती है ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो जो हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है ताकि पता लग सके कि हमारी अर्थ पे कितने दिन में कितने ज्यादा, ठीक है, कौन सा हार्म होने वाला है। तो मेनली ये शॉर्ट, इसलिए क्या होता है कि ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग होती है, ठीक है। जैसे क्या है कि जियो स्टेशन सेटेलाइट है वो मेनली क्या होती है कि शॉर्ट रेंज होती है। जैसे जो वेदर का बताया जाता है कि आज इतने डिग्री सेल्सियस है, ये मेनली 24 आवर्स में करती है, तो ये 24 आवर्स का बताएगी, ठीक है, तो शॉर्ट रेंज के लिए। पर जो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है, जैसे कि तूफान आएंगे बहुत दिन बाद, एक महीने के बाद ऐसा मौसम हो जाएगा, क्योंकि मेनली ये अर्थ के एक हर पार्ट की पिक्चर लेती है। तो मेनली क्या हो जाता है, जैसे कोई पोजिशन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई टोर्नेडो बन रहा है, तो इस पोजिशन पे भी वो आएगा, उसकी मूवमेंट देखे, क्योंकि ये मूवमेंट एक ही दिन में कई बार देख रहा होता है, ठीक है, कई बार पिक्चर ले ली होती है, तो ये मूवमेंट इस तरफ हुई तो ये हर पिक्चर में देखेगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने दिन के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी बहुत ज्यादा फायदा देती है, ठीक है। और मेनली जो जियो स्टेशन में और पोलर में क्या होता है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है। तो मेनली हमारे जो स्टेज जो हमारी सैटेलाइट्स है उनके जो यूजेस होते हैं वो क्या है, यूजेस ऑफ सैटेलाइट वो मेनली क्या है, फर्स्ट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस, लाइक टीवी रेडियो वगैरह पे जो भी हमारी एंटीनाज की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे या 12th में भी हमारा आता है, ठीक है। तो वो एक अच्छे से कम्युनिकेशन का भी कि कैसे जाते हैं, मॉड्यूलेटिंग होती है फ्रीक्वेंसी, देन वो कैसे एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो उस चैप्टर में आ जाएगा। तो मेनली आप याद रखिए कि सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है, इन फोरकास्टिंग वेदर। मेन जो अपर रीजन होता है एटमॉस्फेयर का, वहीं पे तो हमारी क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, तो अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। फोर्थ वन इज एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ अर्थ, ठीक है, एग्जैक्ट शेप और डायमेंशन बताती है अर्थ की। द फिफ्थ वन इज फॉर कॉस्मिक रे स्टडीज, ठीक है, ये हमारे यूजेस होते हैं सैटेलाइट के, कॉस्मिक रे स्टडीज। तो हमारे जो इंडिया में मेनली हमारी जो सैटेलाइट्स की जो जितनी भी स्टडी करते हैं, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए वो इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो स्टेशनरी और पोलर में मेनली डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, और क्या इनके ऑर्बिट से कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा प्लेन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अलग से कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.